नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष नागर और आप देख रहे हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन चैनल। आज लेके हैं एमसीक्यू सीरीज की वीडियो नंबर 6, एपिसोड नंबर 6, जो कि होने वाला है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स सीरीज से। जो लोग नए आए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि कोई भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एग्जाम सर के ऊपर है, कोशिश करेंगे सब कुछ कवर कर ले, उससे पहले कोशिश क्या करके ही रहेंगे। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज सिट एंड रीच टेस्ट मेजर्स। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी स्पीड, ऑप्शन डी एंड्योरेंस। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है, सॉरी मैं गलती से टिक कर लिया, आपको पता लग गया होगा अगर आपके माइंड में भी क्लिक किया है, तो यही दोस्तों इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए फ्लेक्सिबिलिटी। चार ऑप्शन कौन कौन से, ऑप्शन ए फ्लेक्सिबिलिटी, बी स्ट्रेंथ, सी स्पीड, डी एंड्योरेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्लेक्सिबिलिटी। देन क्वेश्चन नंबर 2, मोटर फिटनेस टेस्ट इज अ सेट ऑफ डैश 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 टेस्ट। चार ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या फिर ऑप्शन डी 10। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी 7। टोटल 7 डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, उसको कंप्लीट होके पूरा मोटर फिटनेस टेस्ट बैटरी जो है वो बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ लेते हैं। बैरो फिटनेस टेस्ट डज नॉट इंक्लूड, इनमें से क्या बैरो फिटनेस टेस्ट में इंक्लूड नहीं होता है। ऑप्शन ए मेडिसिन बॉल पुट, ऑप्शन बी ज़िगज़ैग रन, ऑप्शन सी 600 मीटर रन या फिर ऑप्शन डी स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 600 मीटर रन, इसके अंदर नहीं होता है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मेजर्स, क्या हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या मेजर करता है, किसलिए कराया जाता है। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए नी स्ट्रेंथ फिटनेस, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी फिटनेस, ऑप्शन सी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस या फिर ऑप्शन डी रनिंग स्ट्रेंथ। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है, सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को मेजर करने के लिए इस टेस्ट को कराया जाता है, इसके थ्रू पता लगता है कि किसका कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस कितना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। फिटनेस इंडेक्स एम्स एट मेजरिंग डैश डैश डैश, ऑप्शन ए हार्ट रेट, ऑप्शन बी रनिंग स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी ओवरऑल फिटनेस या फिर ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी सिस्टम फिटनेस। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब भी है ऑप्शन सी ओवरऑल फिटनेस। ओवरऑल फिटनेस के लिए फिटनेस इंडेक्स देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 मिनट वॉक टेस्ट इज डिजाइन टू टेस्ट द ओवरऑल फंक्शनल फिटनेस ऑफ, ऑप्शन ए यूथ, ऑप्शन बी चिल्ड्रन, ऑप्शन सी सीनियर सिटीजन्स या फिर ऑप्शन डी एडोलेसेंट्स। तो 6 मिनट वॉक टेस्ट जो स्पेशली डिजाइन किया गया, ये दोस्तों डिजाइन किया टेस्ट किया गया सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो यंगस्टर्स के लिए है, सभी के लिए वो है 600 माइल वो जो टेस्ट है वो है आपका 6 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट, और इसके सीनियर सिटीजन के लिए सिर्फ 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है, ओनली वॉक। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। रॉकपॉट 1 माइल टेस्ट इज डैश डैश डैश, इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एरोबिक फिटनेस टेस्ट फॉर ऑल एजेस, ऑप्शन बी एनारोबिक फिटनेस टेस्ट फॉर हाई पावर एथलीट्स, ऑप्शन सी सीनियर सिटीजन ओनली या फिर ऑप्शन डी फुली फिट एथलीट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एरोबिक फिटनेस टेस्ट फॉर ऑल एजेस, सभी की एरोबिक फिटनेस टेस्ट को टेस्ट करने के लिए रॉकपॉट 1 माइल टेस्ट कराया जाता है। तो दोस्तों ये थी यूनिट 6 से कुछ एमसीक्यू की सीरीज, और जल्दी आपके लिए लेके आएंगे एपिसोड नंबर 7। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। इसके साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।